नमस्कार, मेरा नाम रवि माथुर और मैं आज एक TLM लेकर आया हूँ। ये TLM जो है ऊर्जा पर आधारित है। ऊर्जा के दो रूप होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होते हैं और ये कैसे एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, इस पर आधारित मैंने एक छोटा सा TLM बनाया है। जैसे बच्चों आप सब लोग जानते हैं ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसका मात्रक जूल होता है। तो ये हमारी ऊर्जा मुख्यतः दो रूपों में हमने शुरुआत में बांटा है, जिसको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है, और स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये एक मॉडल है। देखिए इसमें जो है एक ये छोटा सा खिलौना है और ये एक तीली पर ऐसे लटका हुआ है। अब ये हमारे पास जो हाथ में दिख रहा है ये है भार, वजन। अब मैं इसको जैसे ही वजन को छोड़ूंगा तो ये घूमने लगेगा। क्यों घूमने लगेगा? क्योंकि इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भरी हुई है। जैसे स्प्रिंग में हम लोग भर देते हैं स्प्रिंग वाले खिलौने, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो इसमें गतिज ऊर्जा का परिवर्तन शुरू कर दिया। घूमने लगा यानी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, गति के कारण ऊर्जा होगी। इसके सामने आप आओगे टक्कर लग जाएगी, चोट लग जाएगी। गतिज ऊर्जा से होने वाली नुकसान भी हो जाते हैं कभी कभी। जैसे चलती हुई कार के सामने कोई आ जाए तो दुर्घटना हो जाती है, ट्रेन के आगे हो जाए तो गति के कारण हो जाएगी। बंदूक की गोली किसी से टकराएगी तो निशान छोड़ी मार देगी, तो वो गतिज ऊर्जा के कारण। अब देखिए मैंने इसी चीज को परिवर्तित कर रहा हूँ। अब मैंने इसमें चाबी भरना शुरू करा। देखिए चाबी में भर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं चाबी भरूंगा इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होने लगेगा और यह जो वस्तु है जो TLM है इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आने लगेगी। आप देख रहे हैं कि हम चाबी भर रहे हैं तो ये जो हमारा भार है ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जब ये भार ऊपर की तरफ आ जाएगा तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ये उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, यानी गतिज ऊर्जा जो होती है हमारी यह स्थिति ऊर्जा। मैं घुमा रहा हूँ तो गतिज ऊर्जा है और प्राप्त क्या हो रहा है इससे स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में एक प्रकार से रूपांतरण है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। छोटा सा मॉडल देखिए, आप देख सकते हैं, आप लोग सब मिलकर आप लोग घर पर बना सकते हैं अपना। एक प्रकार का खिलौना टाइप है ये। हमारा एक मजबूत सा एक वो है समतल है, लकड़ी के लिए रखा है मैंने। अभी क्या हो रहा है इसके अंदर हमारी गतिज ऊर्जा प्राप्त हो रही है, स्थितिज ऊर्जा को। फिर चाबी भर देंगे तो गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा मॉडल है, आप लोग अपना बना सकते हैं और इसको हम पाठ को भी इसकी मदद से सीख सकते हैं। हम लोग गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को बहुत पढ़ते हैं लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ये नहीं समझ पाते। स्थिति के कारण जो हमें ऊर्जा मिली है स्थिति है। जैसे जैसे मैं एक वस्तु को ऊपर उठाऊंगा इसके अंदर ऊर्जा अधिक चली जाएगी और ये अधिक कार्य करने लगेगी। ठीक है, जैसे हमारी कोई ईंट जमीन पर रखी है तो उसके अंदर ऊर्जा बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे ईंट को ऊंचाई पर लेते चले जाते हैं वह स्थिति ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती जाती है और स्थिति ऊर्जा उसके अंदर संचित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद।